पीसीसी चीफ जीतू पटवारी ने कार्यकर्ताओं को कांग्रेस की विचारधारा से जुड़ने की राशि 100 रुपए बताई। इस पर भाजपा प्रवक्ता नरेंद्र सलूजा ने पलटवार करते हुए कहा कि कांग्रेस पार्टी अब चंदा वसूली पार्टी बन गई है। कांग्रेस पर तंज कसते हुए भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता नरेंद्र सलूजा ने कहा कि ऐसा लग रहा है कि जीतू पटवारी के नेतृत्व में कांग्रेस पार्टी चंदा वसूली पार्टी बन गई है। 5 रुपए में कांग्रेस के प्राथमिक सदस्य बन जाते हैं, लेकिन जीतू पटवारी अब कार्यकर्ताओं को विचारधारा से जोड़ने की बात कहकर 100 रुपए की मांग कर रहे हैं। उन्होंने कहा, मध्य प्रदेश में जीतू पटवारी के नेतृत्व में कांग्रेस का अलग से चंदा वसूली अभियान चल रहा है और कांग्रेस के कार्यकर्ता खुद दबी जुबान से इसे जजिया कर बता रहे हैं। उनका कहना है कि इस नई वसूली को लेकर बड़ा विरोध जल्द ही सामने आएगा। देखिए, कांग्रेस ऐसा लग रहा है कि चंदा वसूली पार्टी मध्य प्रदेश में जीतू पटवारी की कांग्रेस बन चली है। कांग्रेस ने अभी देश भर में अभियान चलाया, डोनेट फॉर देश, देश भर में चंदा उगाया, मध्य प्रदेश में चंदा उगाया, लेकिन उसके बाद भी ऐसा लग रहा है कि जीतू पटवारी की कांग्रेस बाज नहीं आ रही। उसके बाद हमने चुनाव में देखा कि नोट और वोट मांगने निकल पड़े कि वोट भी दो, नोट भी दो, उसको लेकर भी बड़ी राशि एकत्रित की। अब जीतू पटवारी का एक नया बयान सामने आया है कि वो 100-100 रुपये हर कांग्रेस के कार्यकर्ता से लेंगे। अरे, 5 रुपये में आपका प्राथमिक सदस्य कांग्रेस का बन जाता है, अब कह रहे विचारधारा से जोड़ने के लिए 100-100 रुपये लेंगे, तो ये क्या मध्य प्रदेश का अभियान कोई अलग से चंदा वसूली का चल रहा है? आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।